चर्चित स्थान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दानांग गोल्डन ब्रिज बादलों पर खड़ा। दानांग मध्य वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है और देश के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। यह शहर पश्चिम में पहाड़ों और पूर्व में दक्षिण चीन सागर से घिरा हुआ है। दानांग गोल्डन ब्रिज संभवतः वियतनाम के कई पुलों में से सबसे प्रसिद्ध है जो जश्न मनाने लायक हैं। यह पैदल यात्री पुल दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एक उत्कृष्ट स्थान और एक विशिष्ट डिजाइन दोनों है, जैसे इसे दो विशाल हाथों द्वारा उठाया गया है। आगंतुकों को दानांग वियतनाम के बाहर एक पुल के आश्चर्यजनक दृश्यों और कलात्मक वास्तुकला से रूबरू कराया जाता है जो दो विशाल पत्थर के हाथों द्वारा समर्थित प्रतीत होता है। इसे गोल्डन ब्रिज के रूप में जाना जाता है और समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर बाना पहाड़ियों तक फैला है जो आसपास के क्षेत्र के शानदार मनोरम दृश्य प्रदान करता है। वियतनाम के दानांग के पास बानी हिल्स रिजॉर्ट में एक 150 मीटर लंबा पैदल यात्री पुल है जिसे गोल्डन ब्रिज कहा जाता है। इसका उद्देश्य केबल कार स्टेशन को बगीचों से जोड़ने के अलावा एक सुरम्य दृश्य और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल देना है। पुल को शुरू से अंत तक बनने में करीब एक साल का समय लगा। वियतनाम में पर्यटन बढ़ाने का इरादा रखने वाले $2 बिलियन के निवेश में गोल्डन ब्रिज शामिल है और शायद ये प्रयास पहले से ही फल दे रहे हैं। 2018 के पहले दो महीनों में देश की यात्रा करने के लिए 2.86 मिलियन विदेशी यात्री वियतनाम आए। आगंतुकों को दानांग वियतनाम के बाहर एक पुल के आश्चर्यजनक दृश्यों और कलात्मक वास्तुकला से रूबरू कराया जाता है जो दो विशाल पत्थर के हाथों द्वारा समर्थित प्रतीत होता है। इसे गोल्डन ब्रिज के रूप में जाना जाता है और समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर बाना पहाड़ियों तक फैला है जो आसपास के क्षेत्र के शानदार मनोरम दृश्य प्रदान करता है। सिद्धांत डिजाइनर वू वियतन ने दावा किया कि उनका लक्ष्य भगवान के हाथों से फैले धागे के साथ टहलने के अनुभव को जगाना था। पुल जो वियतनाम के दानांग के बाहर है, पैदल चलने वालों को बाना हिल्स और आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। 2018 में गोल्डन ब्रिज एक नई संरचना पूरा हो गया और दानांग का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर दिया। वियतनाम के सबसे प्रसिद्ध पुल की यात्रा करने के इच्छुक अन्य देशों के हजारों पर्यटकों की आमद के कारण यह पुल वैश्विक स्तर पर कुख्याति प्राप्त करता है। इसके अलावा इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला ने दुनिया भर में कई इमारतों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। गोल्डन ब्रिज ने अपने उद्घाटन के बाद से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मेजबानी की है जिसमें फैशन वॉयज फैशन शो भी शामिल है। यह पुल वियतनाम में फोटो शूट के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है, इसलिए हर दिन आपको दर्जनों यात्रा ब्लॉगर मशहूर हस्तियां या सिर्फ जोड़े वहां शानदार मनोरम तस्वीरें लेते हुए मिलेंगे। सोशल नेटवर्क पर उनमें से कई ने कुख्याति प्राप्त की है और दूसरों को प्रेरित किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुल मलेशिया में लैंकोवी स्काई ब्रिज और फ्रांस में पोंट अलेक्जेंडर 3 जैसी प्रसिद्ध इमारतों के साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक का खिताब साझा करता है। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी वीडियो देखते रहें।